नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तिला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है। हर साल की तरह इमसाल भी पहाड़ी इलाक़ों में और जो भी जहाँ ज़रूरतमंद बस्तियाँ हैं वहाँ पर गोश्त की तकसीम का काम अमल में लाया जाएगा। और गुज़श्ता 4-5 सालों से सिलसिला चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं। जिन लोगों को इस साल भी हिस्सा लेना है वो लोग नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप के नंबर पर जो है व्हाट्सएप करें, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी, फिर वहीं पर जो है आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना महाराष्ट्र की जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी उससे किस तरह इस्लाम दुश्मनी कहें या मुसलमानों से दुश्मनी थी, या जो खिंचाव था, जो दूरियां थीं, वो जग जाहिर थी। और बाला साहेब ठाकरे के ऐसे कई बयानात हैं जिससे साफ़ और वाज़ह तौर पर ये बात समझ में आती थी कि वो अपना सियासी दुश्मन समझते थे मुसलमानों को, या जो कुछ भी हो। वही मुसलमान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को अपनाया है, और इस मर्तबा शिवसेना की जीत में सबसे ज़्यादा अगर किरदार है तो वो मुसलमानों का है। इस बात को मानकर के चलना पड़ेगा। शिवसेना के बानी बाला साहेब ठाकरे ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो मुसलमानों के लिए अछूत थी। बाला साहेब के बयानात की वजह से महाराष्ट्र के मुसलमान उनकी पार्टी को अपना सियासी दुश्मन समझते थे, लेकिन मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। लोकसभा इंतखाबात के नतायज इस बात की तस्दीक करते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम तबके की शक्ल में एक नया वोटर मिला जो उसकी सियासी कश्ती को चलाने में कारामद साबित हुआ। दरअसल मुस्लिम तबके ने लोकसभा इंतखाबात में उद्धव ठाकरे पर एतमाद जाहिर किया। मुस्लिम अक्सरियती असम्बली हलकों जैसे मांखरू, कुरला, गोविंडी, अनुशक्ति नगर, मुंबा देवी, चांदीवाली, घाटकोपर वेस्ट और बायकुल्ला, मलाड, मलवानी के वोटरों ने एक तरफा तौर पर उद्धव ठाकरे और महाविकास अगाड़ी के हक में वोट दिया। नतीजा ये हुआ कि उद्धव को मुंबई में 4 में से 3 सीटें मिली। इसके साथ ही महाविकास अगाड़ी के खाते में 4 सीटें आ गईं। आदाद और शुमार इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस बार के लोकसभा इंतखाबात में एक बहुत ही ख़ास चीज़ नज़र आई, जहाँ उद्धव बाला साहेब ठाकरे की क्यादत वाली शिवसेना ने मुंबई जुनूबी सीट पर कामयाबी हासिल की। इस सीट से अरविंद सावंत ने शिवसेना की शिंदे धड़े की यामिनी जाधव को शिकस्त दी। इस लोकसभा सीट में 6 असेंबली हलके हैं, जिनमें से वर्ली में 64,844 वोट डाले गए, शिवादी में 76,053 और मालाबार हिल में 39,573, जबकि मुंबा देवी एक मुस्लिम अक्सरियत असेंबली है जिसमें 77,469 लोगों ने वोट दिया। साथ ही कोलाबा के 48,913 वोटर भी शामिल हैं, जिसमें अरविंद सावंत ने तकरीबन 3,95,655 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। तो नाज़रीन गिरामी, मिन जुमला तौर पर बताने की बात ही के जिस जो है शिवसेना को सियासी दुश्मन समझता था या समझाया जाता था, आज उसी शिवसेना को महाराष्ट्र में दोबारा उसकी साख और शनाख्त को बरकरार रखने में मुसलमानों ने सबसे बड़ा सपोर्ट किया है। और इस बात को शायद उद्धव ठाकरे जानते भी हैं। यही वजह है कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को लेकर के माफ़ी मांगी थी तमाम की तमाम महाराष्ट्र के लोगों से कि हमें माफ़ कर दें कि हमने कभी BJP और मोदी को सपोर्ट किया था, यह हमारी बड़ी गलती थी। बैकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म मोदी के हलफबरदारी से कबल ममता बनर्जी की पेशनगोई की इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के हलफबरदारी से कबल TMC सरबराह ममता बनर्जी ने दावा किया कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। BJP के कई रहनुमा चंद दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं। BJP के कई रहनुमा बहुत परेशान और नाखुश हैं। ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और ये नाखुश कैसे हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह मुंह उतारे हुए, NDA के हर पार्टी में इसी तरह मुंह झुकाए या जिस तरह मुरझाए हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं। हलफबरदारी तकरीब हो या NDA की मीटिंग हो, और जीत रहे हुकूमत बना रहे, चेहरे पे कुछ ना कुछ तो मुस्कान होना चाहिए, लेकिन ये बुझे बुझे से चेहरे आखिर क्या कह रहे हैं। अंदरूनी सतह में किस तरह BJP जो है पूरी तरह से
खाना जंगी का शिकार है या फिर वो कौन सी ऐसी कमी है कि इनके चेहरों की मुस्कुराहट और खुशी को ये छीन लिया गया है जीतने के बावजूद और ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद। ये सवाल पूछे जाने पर कि आया तृणमूल कांग्रेस नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेगी, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें ना तो कोई दावतनामा मौसूल हुआ और ना ही वो हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने का इरादा रखते हैं। और फिर हुकूमत बनाने को लेकर के खुद जो है ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आप खुद इस वीडियो को सुन लें। আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না এবং এটা কেউ ভাববেন না ইন্ডিয়া আজকে স্টেক করেনি বলে কাল করবে না। উই আর ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়াচিং দ্য সিচুয়েশন, কান্ট্রি নিডস চেঞ্জ। মোদীকে কেউ চায় না, এত বড় হারের পরেও মোদীবাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। जनता दल यू के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि जनता दल मुत्तहिदा मरकज में आने वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत को मुसलमानों और दीगर अकलियती बरादरियों के खिलाफ मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देगी। जनता दल मुत्तहिदा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाले इत्तेहाद में एक अहम इत्तेहादी है। मुसलमानों में अपनी पार्टी की साख पर फख्र करते हुए त्यागी ने कहा, जब तक हम वहाँ अपनी बीजेपी के साथ इख्तदार में हैं कोई भी मुस्लिम मुखालिफ अकलियत मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई जाएगी। बिहार में जेडीयू का अब भी मुसलमानों में काफ़ी वोट शेयर है, आप जानते हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या जनता दल यूनाइटेड मुसलमानों को निशाना बनाने वाली बीजेपी के लोकसभा मुहिम के बाद हुक्मरानी के लिए ज़्यादा सेकुलर नुक्ते नज़र पर जोर देगी, त्यागी ने कहा, इन मसाइल को भूल जाना चाहिए जो इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार मुजाहिद आलम ने बिहार की मुस्लिम अक्सरियती किशनगंज हलके से लोकसभा इंतखाबात में आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार से आगे दूसरे नंबर पर रहे। इस हलके से कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद ने कामयाबी हासिल की। त्यागी ने कहा, जनता दल मुत्तहिदा तमाम बरादरियों और फिरकों के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने में यकीन रखती है, यानी कि अगर कोशिश करती है बीजेपी कि मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह का फैसला ले या जो कुछ भी हो तो उसमें जो है नीतीश की पार्टी साथ नहीं देगी। ये साफ कहना था जनता दल यूनाइटेड का। नाज़रीन-ए-गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं। यूपी में आपको पता है कौन किसको कितना वोट दिया? अगर आप उसका डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया है, मुस्लिम दलित पसमानदा ने इंडिया को जो है पूरी तरह से सपोर्ट किया और ज्यादा वोट दिए। लोकनीति CSDS का ये सर्वे यही बयां करता है नाज़रीन-ए-गिरामी। यानी अगले दिनों में असेंबली इंतखाबात भी आएंगे तो किसका वोट शेयरिंग किसको जाएगा उसकी साफ तौर पर यहां पर आपको जो है इशारा मिल रहा है। लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे के लिए एक अहम तरीन सर्वे माना जाता है इस तंजीम का या इस यूनिट का या इस शोबे का। उस सर्वे के आदाद शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में आम यानी ऊंची जात के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य राय दहिंदगान ने बड़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हिमायत की, जबकि दीगर पसमानदा तबकात OBC दर्ज फहरिस्त जातें जिसको SC कहा जाता है और भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों ने इंडिया इत्तेहाद को तरजीह दी। इंडिया इत्तेहाद ने यूपी में 43 नशिस्तें हासिल की जबकि हिंदुत्व पार्टी 75 में से सिर्फ 33 नशिस्तें और इसकी इत्तेहादियों ने सिर्फ एक जीती, कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीती हैं। तो इस तरह से लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक आदाद शुमार से जाहिर होता है कि हर 10 में से 9 राजपूत वोटरों ने बीजेपी की हिमायत की, जबकि यादव और मुस्लिम वोटर गैर जाटो दलित वोटरों के एक बड़े हिस्से के साथ इंडिया इत्तेहाद के हक में मुतहिद हो गए। तो इस तरह से नाज़रीन-ए-गिरामी, जैसे इससे पहले मैंने महाराष्ट्र की भी पूरी तफसीलात आपके सामने रखी थी कि किस जात का वोट किस तरह से वहाँ दलित और मुसलमान वोट मुतहिद हुआ और महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्र में ताल्लुक़ रखने वाले जो जबान से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं वो किस तरह शिवसेना को जीत के लिए रास्ते हमवार किए, ये सारी चीज़ें आपके सामने इससे पहले भी मैंने रखा है। नाज़रीन, ईरान ने इस्लामी ममालिक से अपील की है कि वो इसराइल के साथ तआवुन बंद कर दे। जी हाँ नाज़रीन-ए-गिरामी, जो कुछ हो रहा है राफा बॉर्डर पर आप जानते हैं, कल हमने 24 घंटे के अंदर
अंदर किस तरह से जुल्म सितम की इंतहा कर दी, ये सारी तफसीलात कल के प्राइम टाइम में आपके सामने जालिम दहशतगर्द सहयोनी दरिंदों और सहयोनी कुत्तों की जो है रिपोर्ट रखी थी। इसी सिलसिले में ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि इस्लामी ममालिक को चाहे कि वो इसराइल के साथ सियासी और इक़्तिसादी तआवुन बंद करें और दरामदाद का बायकाट करना शुरू कर दें। मिस्टर बाकरी ने CNN तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमारी राय में इस्लामी ममालिक की तरफ से उठाया जाने वाला सबसे मुअस्सर कदम इसराइली हुकूमत के साथ सियासी और इक्तिसादी तआवुन को रोकना और उसके साथ तमाम दरामदात और बरामदात का बायकाट करना और तमाम रास्ते रोक देना है जो इसराइल को जाती है, वो फिजाई हो या ज़मीनी सतह पर। ऐसे में खुद जो है इसराइल वो मजबूर हो जाएगा। लेकिन क्या ये अय्याश हुक्मरान जो अरब के हैं, मुस्लिम इलाकों के, वो सुन पाएंगे, वो इस बात पर अमल कर पाएंगे? ये अहम तरीन मसला है। नाज़रीन, आपको पता है लक्षद्वीप में किस तरह से जो है BJP के लीडर और PM मोदी ने जो है विज़िट किया था, वहाँ की तस्वीरें सारा मीडिया सुबह से शाम तक उनके सफ़र को लेकर के जब सामने लाया था और उस वक्त लक्षद्वीप के लिए खुसूसी तौर पर बयान भी दिया था जिसको लेकर के मालदीव जो है नाराज नज़र आया और उसके बाद भारत और जो है मालदीव्स में जो है बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हुई और फिर मालदीव्स के सदर जो है वो चाइना भाग गए। ये सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी। इतना कुछ करने के बावजूद आपको पता है लक्षद्वीप में PM मोदी यानी BJP के जो उम्मीदवार थे उनको कितने वोट मिले? सिर्फ 201। शायद आपको पता नहीं है, हाँ, सिर्फ 201 वोट मिले हैं लक्षद्वीप में BJP पार्टी को। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और नाज़रीन, में जिस मालदीव्स को पता है जो बहुत ज़्यादा खींचातानी हुई और अब जब मीडिया जब भी खोल कर देख रहे होंगे, जब ये मामले चल रहे थे एंटी नेशनल कहते हुए न जाने क्या क्या कुछ कहा गया, BJP IT सेल की जानिब से उन लोगों को ट्रॉल किया गया वगैरह, लेकिन आज उसी मालदीव्स के सदर को PM मोदी के हलफबरदारी तकरीब में दावत दी गई है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अब IT सेल के लोग क्या कहेंगे? क्या वो किस तरह से जो इस इस्तकबाल को एंटी नेशनल कहेंगे, BJP को कहेंगे या PM मोदी को कहेंगे? ये अहम तरीन सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, में आइए एक और ख़बर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक स्कूल जो हिंदुत्व जहनीत के हामिल एक तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ की बच्चियों के साथ एक ज़ालिम वहाँ का प्रिंसिपल रेप करती हुई उसकी वीडियो वायरल होती, अब उसकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं और इसका नाम भी मैंने उस वक्त आपके सामने रखा था कि जो है किस तरह से इसने जो है ज़ुल्म सितम किया हुआ था, अब जो है बाकायदा इसको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। DK मिश्रा इसका नाम है। अब नाज़रीन, पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन पानी की अहमियत को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी रियासतों में बिलखसूस हमारे कर्नाटक में गुज़्श्ता 7 तारीख से लगातार मुख्तलिफ़ इलाकों में बरसात हो रही है, पानी की जो शिकायतें थी वो दूर हो रही हैं, लेकिन भारत की रियासतें आज भी ऐसी हैं जहाँ पर पानी हासिल करने के लिए ख़वातीन को, वहाँ के लोगों को दूर दूर तक का सफ़र करना चाहते हैं। ये कोई बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, आजकल की वीडियो है जो इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। नासिक के ताल्लुका पेट में एक विलेज आता है पिंपलवती, वहाँ जो है किस तरह से थोड़े से पीने के पानी के लिए ख़वातीन परेशान हैं, क्या सूरत हाल है। इससे आप इस कुएँ में, जबकि कुएँ में पानी नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उस पानी को लेने के लिए किस तरह तरस रहे हैं। जो लोग पानी का बेजा इसराफ करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनको ये तमाम वीडियोस जो है बड़ी इबरत की निगाह से देखते हुए पानी की इसराफ से भी बचना चाहिए, बेफजूल खर्ची से बचना चाहिए और उसके जो है पूरी तरह से इस नेमत का अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करना चाहिए। बसूरत दीगर ऐसे इलाके हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से जो है यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, में मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात।
अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।